हेलो स्टूडेंट्स, इट्स इंग्लिश रीडर चैप्टर टू। इट्स द मुल्ला सन। इट्स टाइम टू फिनिश आवर चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। रफीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे। रफीक ने बहुत ही गंदा बिहेव किया है आज। द मुल्लास वाइफ सेड। मुल्ला की वाइफ ने कहा। व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग। जब मुल्ला शाम को अपने घर वापस आ गया, यानी कि कोर्ट से जब वापस आया, तो उसकी वाइफ ने शिकायत करी कि रफीक बात नहीं सुन रहा है और वो बहुत ही गंदा बिहेव कर रहा है, बैड बिहेव कर रहा है। आई चेस्ड हिम। मैं उसके पीछे भागी थी। एंड ही इज हाइडिंग अंडर हिज बेड। और उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ। एंड वरीड यानी कि चिंता, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है अब। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है और ना ही अब सुनेगा। यू गो टू हिम। आप उसके पास जाइए डियर हस्बैंड। टॉक टू हिम स्वीटली। उससे प्यार से बात कीजिए। एंड आस्क हिम और उससे पूछिए। टू कम एंड हैव हिज डिनर। कि और आप उसके पास जाइए, उससे प्यार से बोलिए, उसको डांटिएगा मत और उसको प्यार से उसके बेड के नीचे से निकालिए और उससे कहिए कि डिनर कर ले, क्योंकि वो आज पूरा दिन बेड के नीचे ही छुपा रहा और उसने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पिया है। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट इमिडिएटली टू रफीक्स रूम। मुल्ला दो प्याज़ा ने जैसे ही बात सुनी तो इमिडिएटली यानी कि फौरन ही रफीक के रूम में गए। ही पीप्ड अंडर द बेड। पीप यानी कि झलक, यानी कि उसकी ओर उन्होंने झांक करके देखा। जब उन्होंने नीचे बेड के नीचे झांक करके देखा तो यस, हाँ, देयर ही वास, वो यहीं पर ही है। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। और वो अपने वॉल्स के पास आराम कर रहा है। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफी। मुल्ला उसको डराना नहीं चाहते थे, यानी कि अपने बेटे को और नहीं डराना चाहते थे। ही ले ऑन द फ्लोर। वो फ्लोर पर लेट गए। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। और अपना सर बेड के नीचे करा जहाँ पर रफीक था। द लिटिल बॉय स्माइल ब्राइटली। जो छोटा बेबी था, रफीक था बॉय, उसने स्माइल किया। हेलो फादर ही सेड। उसने कहा, हेलो फादर, हैव यू बीन पनिश्ड टू। क्या आप भी मुझे पनिशमेंट दोगे। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस। उसने कहा, यहाँ पर बहुत सा प्लेंट यानी कि बहुत सारे, इन पर बहुत सारे रूम हैं जहाँ पर हम दोनों बहुत अच्छे से रह सकते हैं। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। क्रॉल यानी कि घुटनों के बल चलना या घसीटना। तो उसने कहा, आप घुटनों के बल यहाँ पर नीचे आइए और अपने यहाँ पर आइए, बैठिए और अपने आप को यहाँ पर कम्फर्टेबल कीजिए। यहाँ पर बहुत कम्फर्टेबल रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याज़ा की लाइफ में फर्स्ट टाइम फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। उसने अपने आप को स्पीचलेस पाया। वो उस बात पर उसको अपने बेटे रफीक को कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसने कहा था कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप रह सकते हैं। He crawled under the bed and joined his son. और वो उस बेड के नीचे अपने बेटे के पास जा कर के बैठ गया, उस अपने बेटे के साथ बैठ गया। सो इस चैप्टर में था कि किस तरीके से जो मुल्ला तो प्याज़ा कभी किसी से डरता नहीं था और हर किसी का आंसर इमिडिएटली देता था, फौरन आंसर देता था, रिप्लाई करता था, आज वो अपने बेटे के आगे स्पीचलेस हो गया, यानी कि उस अपने बेटे को जवाब नहीं दे पाया और अपने बेटे की बात उसने चुपचाप मान ली और बेड के नीचे उसी के पास जा कर के बैठ गया। तो ये थी कि मुल्ला तो प्याज़ा कभी भी शांत नहीं रहता था और अपने बेटे के आगे शांत हो गया। ओके, फिनिश योर चैप्टर नाउ, रीड इट।